अटलांटिक की जो ब्लाइंड डॉल्फिन्स थी उनको बदीन में आना पड़ा, आके बना लेनी पड़ी, तो ये बदीन में उसके बाद ही तेल निकला। मेरा ख्याल है एब्सोल्युटली नो आईडिया, आई एम श्योर कि तेल उसके बाद ही निकला होगा। अच्छा फकीर जी बताएं, तेल निकलने से याद आया कि आप ने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, विच यू डोंट टेक द क्रेडिट ऑफ। मैं चूंकि पाकिस्तानी नेशन को बिलोंग करता हूँ एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि हमें अपने हीरोज की कदर करनी चाहिए। बदनसीब होती हैं वो कौमें जो जिनके हीरोज नहीं, ठीक है, आप मेरे हीरो हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो मुल्क के हालात हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द टॉवल और बाहर शिफ्ट हो जाए, वहीं पर ठहरें, पॉलिटिक्स में आए, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करें किसी ना किसी फॉर्म में, कोई ना कोई, देखिए सोशल काम करने से तो चेंज नहीं आ सकती ना। मसाइल का हल इज नॉट दी रेजोल्यूशन ऑफ द रूट कॉज। इसको आपने कोई डायरेक्टली क्या कुछ सोचा हुआ प्लान है? मेरा शायद एक टाइम पे था कि अच्छा शायद यू नो इस तरफ देखा जाए, लेकिन मैं फ्रेंकली आई विल टेल यू ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि हर चीज़ का सलूशन जो है वो सियासत ज्वाइन करने से हो सकता है, या हर कोई जो है जो अच्छा बंदा कोई फिलान्थ्रोपी कर रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है और फिर ओके जी अच्छा जी चूँकि मैंने ये काम कर दिया है, अच्छा काम कर दिया है, तो अब मैं जो हूँ मुल्क को भी चला सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ। पहली बात तो मेरी नज़र में आई थिंक हम सबका अपना अपना एक रोल है। आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, एंटरटेनमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपकी दूसरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग, वो भी ऑयल एंड गैस एंड यू नो ये सारा का सारा। सो वो एक रोल जो है वो रोल आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सक रहे, करना नहीं चाहिए। मैंने पाकिस्तान से बाहर आकर क्यों बिजनेस सेटअप किया, उसकी वजूहत बदकिस्मती से यस वो वजूहत है जो कि आज बहुत से दूसरे हमारे बिजनेसमैन को पाकिस्तान में नज़र आ रही है। नंबर वन, डिटेरियोरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर टू, एनर्जी क्राइसिस। आप किसी भी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएं, अगर आपको बिजली जो है वो फराहम नहीं हो रही, गैस आपको फराहम नहीं हो रही, तो आप किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप किस तरह बैन अकवामी सतह पर कम्पीट करेंगे, ठीक है। अब फिर यही होगा कि चाइना से चीज़ बन के आएगी, आप इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी चीज़ ना खुद प्रोड्यूस करेंगे, ना लोकल मार्केट को देंगे, ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो द थिंग इज कि ये बदकिस्मती से वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से यस एक हकीकत है कि पाकिस्तान से बहुत सा कैपिटल जो है वो फ्लाइट कर गया है, बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से बाहर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ढूंढ रहे हैं। अब इसको ठीक करने के लिए हर एक को पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए, वो लोग जो ऑलरेडी मौजूद है पॉलिटिक्स के अंदर उनको रियलाइज करना चाहिए कि यार मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर हूँ या मैं अगर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हूँ, तो क्या मेरे पास एक क्लियर कट पॉलिसी है, या मैं कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, या मैं नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कोई नया इंसेंटिव दे रहा हूँ अपने लोकल बिजनेस में। सबसे पहले हमें अपने मुल्क के अंदर बिफोर एनी पॉलिटिक्स, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट इज नंबर वन लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, एंड नंबर टू इज द पावर इशू। बिल्कुल सही, ये दो चीज़ें हम रिजॉल्व करेंगे तो बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा। ये बात नहीं कि पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, आपको भी पता है, मैं भी, हमारे कॉमन दोस्त हैं बहुत सारे जो पाकिस्तान रह के बहुत बड़ा बड़ा मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। हुमायूं सईद हैं, आसिफ भाई हैं, आसिफ रजा मीर साहब हैं, ये आप नाम देते हैं, मैं तो मैंने कोई नाम नहीं दिया, नहीं लेकिन आपने, बट मैं बात कर रहा हूँ कि कर रहे हैं, सारे मुश्किल हालात के बावजूद कर रहे हैं। अब ना ये इमेजिन करें कि इन्हीं लोगों को आप एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे दें, तो आप कहाँ एक्सेल करेंगे, आपके मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जाएगी। फिर ये जो जो हमारे करंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग जो कंट्रोलिंग दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, आप समझते हैं कि जनरली हमारे मसाइल हल कर सकते हैं? यार अभी तक तो किसी ने नहीं किया, और हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर देखा जाए पाकिस्तान की तारीख में, ये हमारी जमहूरियत की तारीख में देखा जाए, तो कहा यह जाता है कि चूंकि बार बार आमरीत आ जाती है तो जमहूरियत कभी फ्लरिश नहीं कर सकी, लेकिन जब भी जमहूरियत को भी मौका मिला तो जमहूरियत ने भी कोई कमाल तीर नहीं चलाए। इसलिए मेरी नज़र में मेरी तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शन अब आने वाला है, एक साल और रह गया, तो ये जो अगला इलेक्शन आए तो इसमें खुदा का वास्ता है कि आप, अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, व्हाट विल बी द फेट, बट आप प्लीज़ वो लोग जिन्होंने पहले चार दफ़ा, तीन दफ़ा या इवन एक दफ़ा भी पार्लियामेंट में जा चुके हैं, किसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं या किसी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, तो उनको बराए मेहरबानी रिजेक्ट कर दें, ना दें वोट।
रिजेक्ट कर दे, मतलब इसमें मैं इंक्लूड करता हूँ वो लोग जो दूसरी पार्टियां छोड़ के इमरान खान की पार्टी में गए पाकिस्तान तरीके से, उनको भी रिजेक्ट कर, उनको भी रिजेक्ट कर दे क्योंकि वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड हो गए। ठीक हो गया। अच्छा मगर ये बड़ा सीरियस आपने स्टेटमेंट दिया एंड आई एम ग्लैड कि आपने बात की। अच्छा ये बताएं कि जिस घर के ऊपर कवा बोलता है वहाँ मेहमान आता है, जिन मुल्कों में कवे नहीं होते हैं तो उनके घर मेहमान नहीं आते? उनके घर मेहमान होते हैं ना, उनके घर पर ऐसे मेहमान होते हैं जो कि जाने से इनकार कर देते हैं, फिर उन मुल्कों को ऑक्यूपाइड मुल्क कहा जाता है, ऑक्यूपाइड लैंड कहा जाता है। अच्छा हमें थर्ड वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम बाकी में तीसरी दुनिया है, हम किसी अलग ही ऑर्बिट में चल रहे हैं, हम किसी अलग डिमेंशन में, इसलिए तीसरी दुनिया। आपके ख्याल में जब ये जो प्लैनेट का माजरे चाहता हूँ, जब ये बड़े आजम बनते थे तो सुना है कि कोई आतिशबाजी पड़ता है जिससे जमीन इधर से उधर तिलक जाती है, फिर कहीं और जाके तो हम जो पाकिस्तान है ये कहाँ से तिलक के यहाँ पहुँचा था? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि कहाँ से कहाँ तक आए ये तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि आप किसी भी वक्त कोई भी आदेश मुझे फट सकते हैं दोबारा। अच्छा फिर पाकिस्तान इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री, हमारे पास चार मौसम हैं, चार मतलब मैं उनको ये कहता हूँ कि चार कौमें हैं जो माशाल्लाह यूनाइटेड हैं और पांचवी हमारे महाजे भाई, और इंसानों को मिलाएं तो मौका बनता है इसका नाम पाकिस्तान है, जिसको अगर हम उसके ट्रू पोटेंशियल पे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा पाकिस्तान में जफाकश लोग हैं, बेहतरीन मौसम है, अच्छी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला ने दीपिका को इंडिया में क्यों पैदा कर दिया? ये तो अब जब आखिरत में अल्लाह से आप खुद पूछिएगा कि ए परवरदिगार की ये अपने क्यों नहीं एहसान किया, बट आई थिंक अगर परवरदिगार से कुछ पूछ रहे हैं तो ये ज़रूर है कि अपने दिल में जब आप नमाज कायम करके दुआ शुआ कर रहे हो तो उस वक्त ये ज़रूर कहें कि अल्लाह ये बार बार कुदरती आफात हमारे ऊपर ही क्यों नाज़िल हो रही, गिरती है बर्क क्यों मुसलमानों पर। अच्छा मगर ये मुझे बताएं कि अगर आपने जैसे एक दफ़ा बाहर इंडिया पाकिस्तान कोलैबोरेशन की है, आप वहाँ से सैफ अली खान को लेकर आए, शिल्पा शेट्टी को लेकर आए, आप मनमोहन देसाई साहब को क्यों नहीं लेकर? चूँकि मनमोहन देसाई साहब की कोई डिमांड ही नहीं थी पाकिस्तान में, किसी ने कहा कि हमें ना मनमोहन देसाई चाहिए, हमें अगर चाहिए तो फिर सीधा सीधा मनमोहन सिंह चाहिए, मनमोहन सिंह हमारा है बाकी सब तुम्हारा है। अच्छा मगर ये पाकिस्तान में कोई एक जनरल प्रॉब्लम बताएंगे, जैसे मैंने उसे सवाल कहते थे एजुकेशन, आपके ख्याल में कोई एक ऐसी कल है हमारी या कुल जिसको हम क्या कहते हैं जिसको अगर हम मरोड़ दें तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एटलीस्ट द बॉटम लाइन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज दैट बॉटम लाइन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स? अगर तो बाकी में मैक्रोस्कोप पे देखें आपके मैक्रो लेवल पे क्या है, तो मैं भी समझता हूँ कि आई थिंक एजुकेशन नाउ इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल, क्योंकि आपको एक पूरी कौम को इस देखिए ना कौम के अंदर जो डेमोग्राफिक है एज का, आने वाली अगली जनरेशन को आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो तमाम जो चीज़ें जो गलत हुई हुई हैं उनको पहले से ही अगर आप कहते हैं ना कि रूट पे जाकर बिफोर इट बिकम्स एन इशू हो जाए, एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन इज वन थिंग बट यू नो इतनी सारी चीज़ें इनको साथ साथ में देखना पड़ेगा अली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, मैं भी यही एग्री करूंगा कि आई थिंक एजुकेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट उसके अलावा आई थिंक देयर इज रियली नॉट एनी सिंगल सेक्टर दैट कैन बी सिंगल्ड आउट सेड हियर, ये प्रॉब्लम आई थिंक एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन। अच्छा आप क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह बड़े रेगुलर आते हैं, अगर आपके ख्याल में एजुकेशन के बाद अगर दूसरा मसला है तो ये भी हो सकता है हर महीने लॉन की जो 14 एग्जीबिशन है। ये मेरी समझ से बाहर अंदर है कि पाकिस्तानी खवातीन कितनी लॉन पहनती है, मैं ये जानना चाहता हूँ कितनी लॉन पहनी जाती है पाकिस्तान में, तो ये जो डिजाइनर देखो जिससे मैं मिलूँ कि यार लॉन की एग्जीबिशन है। अच्छा सुना आपको शायद अफरीदी मिलती है एक लॉन के, इसका नाम है शोएब अली लॉन, इसके बारे में आप ये तो शायद आ चुके ना आपके शो पे, मैं देख चुका हूं आपके शो पे आ चुके हैं, ये शायद ये इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिएगा जब अगली दफा आप इसको मिले, तो ये आपकी और इसके बीच में जो शायद मुझे देंगे वो जवाब होगा। हां अच्छा बट अगर ऑन अ सीरियस नोट, शायद ने जब भी जिसको भी दिया है जवाब ही दिया है, अपने बल्ले से दिया हो या अपनी गेंद से दिया हो, मगर दिया जवाब है। अच्छा लेकिन उन्होंने हमारे शो में बड़ी अच्छी बात की, किसी खातून कॉलर की कॉल आई तो कहती है कि ले मैं पकौड़े बनाने गई थी तो मैं जब आप वापस आई तो आउट हो गए, आप कहते तो बहन पकौड़े तो इतनी जल्दी बनते हैं, बस इट वाज सच अ क्यूट इनोसेंट एंड गुड आंसर। मगर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग फखरे आलम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर योर पाकिस्तानी ब्रदरन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ नीड, थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग पाकिस्तानी यूथ, थैंक यू वेरी मच। एक इंसान का कैरेक्टर होता है, एक उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है जो लोगों को मोटिवेट करती हैं, और जो आपने अर्थक्वेक पे किया, मैंने खुद आई वॉज अ पार्ट ऑफ योर टीम जब आपने फ्लड पे काम किया, जिस तरह आपने पूरी दुनिया में ग्लोबली PIA के साथ मिलकर लोगों को मोटिवेट किया, चार्ज किया कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन के साथ आती है, यू वर द इंस्पिरेशन, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पाकिस्तानी नेशन, प्लीज़ डू नॉट गिव इट अप, एंड किसी भी फॉर्म में इस तरह आप म्यूजिक के साथ इंशाल्लाह ताला इट्स गोइंग टू बी अ बिग बैंग, इंशाल्लाह ताला इट्स गोइंग टू बी अ बिग 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 वेरी बिग समथिंग दैट यू आर प्रेजेंटिंग टू आवर नेशन एज अ गिफ्ट
एंड टू पीपल हु अंडरस्टैंड दिस म्यूजिक ऑल अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यार ये अच्छा काम करते रहिएगा, बिकॉज हमारी मेरी पर्सनल अपनी यूथ के साथ बहुत एक्सपेक्टेशन है और बहुत कम लोग हैं आपकी तरह के जो रोल मॉडल हैं जो उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उस यूथ को देख कर एक मैसेज दे दें। मैं सर वही ये कह सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ कि मेरा पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है, जो मोहब्बत है, जो नाता है, वो हमेशा हमेशा मेरे मरते दम तक कायम और दायम रहेगा। और मैं जब जब भी अल्लाह ताला मुझे मौका देगा, मैं अपनी कैपेसिटी में जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। और यूथ को जो मैसेज देना है वो मैं सिर्फ ये दूंगा कि अपने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप जो कर सकते हो, जो आपको पता हो, अंदर से बताओ कि यार ये सही काम है, ये मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपको सो मच सो ये बताओ कि कोई गलती आप करने लगो और आपको एहसास हो जाए कि मैं यार ये गलत काम है, मैं ये ना करूँ, तो वो भी एक आप एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने आप के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। सो कीप डूइंग व्हाट यू डू एंड मेरे दैट्स ऑल आई कैन से कि हम आप मिलकर हम एक्चुअली चेंज ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल चेंज हो, वो चेंज जो है माशरती सतह पर, हमारे गिर्द नवाह में, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे शहर के अंदर, वो भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं कि वो हर सेक्टर में हो कि जी हम हर चीज़ को जो है वो चेंज कर देंगे, नहीं, कोई एक छोटा सा काम ही पकड़ के अगर हम उसके अंदर जेन्युइन डिफरेंस मेक करें ना, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कैंप डेविड में इन्वाइट किया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्राइवेट मोमेंट्स हमें टाइम दिया। एक दफा फिर हम फखर को दोबारा मिलेंगे। चला कैंप डेविड मेरा साथ, ये आप देख रहे हैं आज टीवी और ये है अली सलमान। हर सुबह, सिर्फ आज सुबह नहीं, हर सुबह अली सलमान के साथ देखते रहिएगा। मैं हूं फखर आलम, दुबई से साइन ऑफ कर रहे हैं और ये अली सलमान अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, एक मैसेज बड़ा जरूरी है, एक मैसेज बड़ा जरूरी है। आई न्यू दैट इज गोना कम, आई न्यू दैट इज गोना कम। एंडिंग लाइन है, अपना ख्याल रखिएगा अपने पड़ोसियों का, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई और रखेगा। खुदा हाफिज़।